अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल पर आपको खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे, आपके रिस्क और खानों में बरकत दे। तो आज की जो रेसिपी है वो हमारी वो है चने की दाल की खिचड़ी। इसको चने की दाल का पुलाव भी कहते हैं, चने की दाल वाले चावल भी कहते हैं। हमारे इधर पंजाब में तो खास तौर पर ये जब बहुत सारे मौके पर बनती है तो देख भी बनती है इसकी। लेकिन आज जो इस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ इससे आपको देख की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि आप इतना महंगाई का दौर जा रहा है तो हर चीज हर बंदा यही कहता है कि जो कम से कम खर्च हो। तो इसको अगर आप चाहे देख बनाए, चाहे घर में बनाए, चाहे बांटने के लिए बनाए, चाहे फैमिली के लिए बनाए, इस तरीके से बनाए और देखिएगा इंशाल्लाह आपको तारीफें ही मिलेंगी हर एक से। तो रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। हमें चाहिए प्याज। मैंने एक मीडियम साइज की प्याज ले ली, उसको स्लाइसिस में काट लिया। लहसुन और अदरक चॉप किया हुआ, मैंने इसको पेस्ट नहीं बनाया, चॉप किया है। चॉप की हुई हरी मिर्ची है और टमाटर करेंगे चॉप। और चने की दाल ले लिया मैंने एक कप, इसको दो घंटे से भिगो दिया हुआ था। और चावल ले लिए एक गिलास। और जो इसमें अभी हमने डालना है, तड़का लगाना है जिसका, वो हमने तेज पत्ते लिए हैं, लौंग लिए हैं, बादियान का फूल लिया है, काली मिर्ची है थोड़ी सी मेरे पास साबत, दालचीनी के पीस हैं और ये जीरा है। तो चलिए रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। जी तो कढ़ाई में ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो जो हमारे ये साबुत गर्म मसाले हैं सारे, खड़े मसाले सारे इसमें शामिल कर देंगे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको थोड़ा सा फ्राई करते हैं क्योंकि कढ़ाई में ऑयल हमारा काफी गर्म हो चुका है, तो ये बड़ी जल्दी फ्राई हो जाएंगे हमारे। और इसके फ्राई करते ही साथ ही हमने डाल देने इसमें प्याज, जो कढ़ाई में काटे हुए प्याज है वो शामिल कर देंगे। बड़ी जबरदस्त रेसिपी है, इंतहाई आसान तरीके से बनेगी और भरपूर जो है ना लज्जत से भरपूर, जायके से भरपूर होगी इंशाल्लाह। आप जब भी ये बनाएंगे तो आपको तारीफें ही मिलेंगी पूरी फैमिली से कि ये किस तरीके से आपने बनाई है चावल है, चने की दाल की खिचड़ी। लेकिन इतना जायका जरूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी। जी तो प्याज हमारा गोल्डन हो चुका है, थोड़ा सा गुलाबी गुलाबी गोल्डन कर लिया है। और इसमें अब हमने जो चॉप किया वो लहसुन अदरक है वो शामिल कर देते हैं, हरी मिर्ची शामिल कर देते हैं साथ ही। थोड़ा सा इसमें फ्राई करते हैं इसे भी। और बस साथ ही इसमें हमने टमाटर शामिल कर देते हैं। अब साथ ही हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। बहुत ही जबरदस्त रेसिपी है, इजी और आसान रेसिपी है और आप घर में भी बना सकते हैं। आपको बिल्कुल भी इसके लिए देख सकवाने की जरूरत नहीं है। हमारे पंजाब में तो बहुत ज्यादा चलती है चने की दाल की खिचड़ी है या चने की दाल का पुलाव है। अब हम इसमें अपना शामिल कर देते हैं मसाले सारे। हल्दी शामिल करेंगे हाफ टी स्पून, सूख मिर्च शामिल करेंगे क्वार्टर टी स्पून, काली मिर्च शामिल करेंगे हाफ टी स्पून, थोड़ा सा कुटा हुआ धनिया शामिल करेंगे वो भी हाफ टी स्पून ही लेना है हमने। और अब नमक शामिल कर देते हैं हम हसबे जायका, मिक्स कर लेते हैं इसको मसाले को। थोड़ी सी इसको फ्राई करके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे अपनी दाल। देखें माशाल्लाह से मसाला हमारा कितना अच्छा तैयार हो चुका है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे अपनी दाल। दाल देखने हमने दो घंटे पहले उबाली हुई थी और दाल देखें कितनी नरम हो चुकी है, इसमें बिल्कुल इसी तरह ही साथ ही पक जाना। बिस्मिल्लाह बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी। जब भी आप दाल कोई भी दाल बनानी हो तो उसको अगर टाइम से भिगो देंगे तो वो बहुत अच्छी आपकी पकेगी, नरम और जायकेदार। अब इसमें साथ ही हमने दो सूख मिर्चें ली हैं सूखी हुई, ये शामिल करेंगे। इससे जो दाल का जायका है वो बहुत ही अच्छा आएगा। ये दाल के जायके के लिए डाली है हमने इस स्टेज पे आके। जी तो माशाल्लाह से देखें दाल को हमने भून लिया है और दाल हमारी तकरीबन हाफ कुक हो चुकी है क्योंकि ये रात मतलब दो घंटे पहले से भिगोई हुई हमने, तो काफी इसमें जो ना नरम हो चुकी हुई है। तो अब हम इसी में शामिल करेंगे अपने चावल।
और बाद में शामिल करना है हमने पानी। चने की दाल की जो पुलाव है या चने की दाल की जो खिचड़ी है वो इसी तरीके से बनेगी तो ज्यादा मजेदार बनती है। आप इसी तरीके से जरूर ट्राई कीजिएगा। मतलब जैसे हम आम रूटीन में तो पानी डाल देते हैं, पानी पका के फिर हम राइस डालते हैं, इस तरह से नहीं करना। तो आपने ये इस तरह से तैयार करनी है और देखिएगा कैसी लाजवाब तैयार होगी। बस इसको हमने एक दफा मिक्स करना है, इसमें ज्यादा हमने चम्मच नहीं चलाना ताकि हमारे जो चावल है वो टूटे नहीं। बस इसको हमने दाल के साथ मिक्स करना है इसमें। जी तो माशाल्लाह से देखें चावल और दाल कितने प्यारे। थोड़े से हमने इसको फ्राई किया बिल्कुल हल्के से चम्मच के साथ। अब हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। आप देख रहे हैं साइडों से बॉयल होने बॉयल बबल ऊपर आ रहे हैं, वो इसलिए कि चावल और जो दाल है वो मिक्स हो चुके हैं आपस में। अब हम इस स्टेज पे इसमें पानी शामिल कर देते हैं बिस्मिल्लाह और इसको अब हम 2 मिनट के लिए पकाएंगे और फिर दम पे रख देंगे और दम पे ही हमारी इतनी अच्छी दाल की खिचड़ी जो है वो तैयार हो जाएगी। बिस्मिल्लाह। देखे कलर देखे कितना खूबसूरत आया है और खुशबू भी बड़ी कमाल की, बड़ी लाजवाब खुशबू आ रही है। आपने ये जब रेसिपी बनानी है ना तो आपकी फैमिली ने कहना है कि वाह जी वाह कमाल हो गया। तो चलिए इसको थोड़ी देर के लिए हम पानी बॉयल हो जाए और इसको दम पे लगाते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका फाइनल लुक क्या आएगी। जी तो 15 मिनट के लिए हमने इसको रख दिया था दम पे। अब हम इसको देख लेते हैं कि क्या माशाल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी तो देखें कितनी प्यारी हमारी तैयार हुई है, लुक देखें इसकी कितनी खूबसूरत आई है। कोई हमने इसमें प्रेशर कुकर नहीं यूज किया, देख ले मिट्टी की हांडी में हमने इसको बनाया, मिट्टी की कढ़ाई कह लें हांडी कढ़ाई कह लें इसको, इसमें हमने तैयार किया और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, फौरन फौरन सही है, जल्दी जल्दी आपके सामने तैयार हुई है। तो अब हम इसको देखते हैं क्या कंडीशन है इसकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माशाल्लाह देखें कैसे नरम चावल खिले खिले और दाल भी देखें कितनी प्यारी है, कितनी खूबसूरत लुक है। तो इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से ये देखें इसकी लुक, ये देखें कितनी खूबसूरत, और चने की दाल भी देखें कैसी फौरन से हमारी, ये देखें नरम हुई हुई चने की दाल है और चावल देखें कितने प्यारे खिले खिले बने हैं और खुशबू भी बहुत ही शानदार आ रही है। तो इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है और देख लें आपके सामने कैसे झटपट तैयार हो गई है। घर में तैयार करें, कारोबार के लिए करना है कारोबार के लिए करें, क्योंकि हमारी ये भी बहुत ज़्यादा चलती है, बहुत से भाई इसका कारोबार भी कर रहे हैं चने की दाल की खिचड़ी का, घर में बहनें कर रही हैं ये काम। तो रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी वीडियो पहुंच सके। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जैसे कोई भी मैं नई रेसिपी जी आप आसान सी रेसिपी आपके लिए तैयार करूँ तो आप तक फौरन पहुँच सके। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।